करण के साथ शोभना मुझे velapati.com और ज्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन कौन सी रहा करती थी, आज मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। बाल मजदूरी हमसे घर वालों ने कब करवाई है? जब घर वाले सारा सामान मंगवा लेते थे, बिस्किट दाल जो भी उनको चाहिए होता था, फिर मतलब शगुन के टाइम पे हमें शगुन नहीं मिलता था, वो ज्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन थी, या फिर हमको बनाया जाता था नचनिया टाइप्स, या नो पोएम सुना दो, गाना सुना दो, डांस करके दिखा दो रिश्तेदारों के सामने, मन भी नहीं होता था। ओके जी, तो आज क्या हुआ कि मैं दीपक 93.5 FM चंडीगढ़ पे था, और ये क्वेश्चन जो अभी आपने सुना ये मेरे से ही पूछा गया था, लेकिन मेरे साथ में एक लड़की भी थी, मतलब मेरे साथ नहीं ऑब्वियसली, दूसरी कॉल पे एक लड़की भी थी जिसने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया, सेम क्वेश्चन टू डिफरेंट आंसर्स। तो इन्होंने फिर चैनल वालों ने वोटिंग कराई और लोगों से ये क्वेश्चन पूछा कि आप इन दोनों आंसर्स में से किसको सपोर्ट करते हो। तो लोगों ने कॉल्स किया और उन्होंने मेरे आंसर को सपोर्ट किया, पर हालांकि सपोर्ट करने के बाद भी मैं ये कॉन्टेस्ट हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि वो एक लड़की थी और लड़की को प्राइज देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। और ज्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन कौन सी रहा करती थी, आज मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। बाल मजदूरी हमसे घर वालों ने कब करवाई है? जब घर वाले सारा सामान मंगवा लेते थे, बिस्किट दाल जो भी उनको चाहिए होता था, फिर मतलब शगुन के टाइम पे हमें शगुन नहीं मिलता था, वो ज्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन थी, या फिर हमको बनाया जाता था नचनिया टाइप्स, या नो पोएम सुना दो, गाना सुना दो, डांस करके दिखा दो रिश्तेदारों के सामने, मन भी नहीं होता था। अब इसी के ऊपर बैटल करने के लिए मेरे साथ हैं दो यहाँ पे धुरंधर। क्यों सर? क्योंकि हमारा उससे मन नहीं होता था, तो बावजूद भी ना हमारे रिलेटिव जो भी आते थे वो कहते थे बेटा डांस करके दिखाओ, पोयम गा के सुनाओ। और जैसे सर बिस्किट नमकीन बड़े होते थे अगर, तो मम्मी पापा पहले ही समझा देते थे उनके आगे से कुछ खाना नहीं है तो बेइज्जती हो जाएगी। सर हम फिर ना एक कोने में जाके चुप करके बैठ जाते थे हाई की मम्मी मारेगी बाद में, मतलब नचा भी ले खिलाया भी कुछ नहीं। हाँ सर कुछ दिया भी नहीं, फिर जब सब चले जाते थे उसके बाद थोड़ा थोड़ा बांट देते थे सारे भाई बहन। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट में कौन है मेरे साथ? मैं दीपक बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से शगुन वाला जो है वो सबसे ज्यादा रीजन ये था कि चलो सर्व करते हैं गेस्ट आए घर पे, दाते धोके सर्व किया, उसके बाद में पोएम वगैरह की, उसमें क्या है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इग्नोर मारते थे, या जैसे कि मेरे बांजे आए हुए थे उन्होंने क्या किया, हमसे कहा कि गानों से रख दे डांस तो इग्नोर मार गया, इधर उधर हो गए या मुंह बना के बैठ गए, तो वो बंदा इग्नोर इजिली कर लेता है, उसको मार पिटाई तो होगी नहीं। पर शगुन वाला ये होता है कोल्ड ड्रिंक भी लेके आओ, स्नैक्स भी लेके आओ, बाहर से भी लाओ, दही भी लाओ, पुदीना धनिया भी लाओ, बट जब लास्ट में शगन के लिए पेरेंट्स कहते हैं कि अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, दुआ आई है या कोई आया, फिर उसके पैसे अगर वो जबरदस्ती दे भी दे वापस कराते हैं, वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है। शगन वाला तो ये है ना कि हम मना नहीं कर सकते, वो तो नहीं लगता है ना बच्चे। अच्छा ये बात भी सही है, शगन बच्चे पकड़ लेते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं ना, उन्हें ये पता है कि इससे चॉकलेट टॉफीज ये सब आएगा। नहीं कई बार घर वाले भी तो हाथ से निकाल के पकड़ा दे, नहीं सानू नहीं चाहिए। नहीं सर वो तो करते हैं, पर वो तो फिर भी ये बोलते नहीं 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 चलो बच्चा है ये तो बनता है हमारा हक। देखिए 10 में से ये एग्री 5 टाइम्स अगर हो जाता है, बट मोस्टली ये होता है या तो वापस कर दिया जाता है। और वैसे भी आप देखो ना जैसे आपका प्रोफेशन है, आप सब कुछ काम कर रहे हो, उसके बाद में पैसे ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बताओ आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हो, दीपक या एकता? कॉल कर सकते हो 5293935 मेरा नंबर, एक बार फिर से सुनो 5293935। सवाल बहुत सिंपल सा है कि यार बाल मजदूरी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन सी वाली होती थी? भाई घर वाले हमें काम करवाते थे शगुन के टाइम पे, शगुन खुद पकड़ लेते थे, या फिर जबरदस्ती परफॉर्मेंसेस जो रिश्तेदारों के सामने करवाई जाती थी वो इरिटेटिंग ज्यादा थी? 5293935। और सिनेपोलिस का कपल मूवी वाउचर आपके नाम मैं करूंगा, वर्ल्ड क्लास मूवी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। बजाते रहो। रिश्तेदारों के सामने नाचना पड़ता था, पोएम सुनानी पड़ती थी वो, या फिर जब घर वाले हमारे शगुन मार लिया करते थे। अब इसी के ऊपर ट्राइसिटी का फैसला सुन लेते हैं। नवीन बोल रहा हूँ यार, हमारा हक होता है शगुन, बड़े हमें शगुन देते हैं, हम काम भी करते हैं वहाँ पे जाके, छोटे छोटे काम करवाते हैं, ये लाओ वो लाओ दही लाओ बाजार से, ये लेके आओ वो लेके आओ, बिस्किट खत्म हो गए नमकीन खत्म हो गई, ठीक है
तो जब शगन की बारी आती है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है सर। तरुण तो शगन वाला था जो शगन के लिए जो फैमिली वाले सर, क्योंकि देखो इतनी धूप में हम जा रहे हैं, सारा सामान हम लेके आ रहे हैं, अब जब शगन की बारी है तो फैमिली वाले, क्योंकि हमारा इसमें क्या फायदा हुआ, मजदूरी सारी हमने। हाँ जी जी वेलकम सर, सर मैं मानशु बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, मेरे को लगता है जो पहला आपने ऑप्शन कहा ना, जो कि रिश्तेदार जो पैसे देते हैं वो घर वाले रख देते हैं, वो वाला ऑप्शन पे बहुत इरिटेशन होती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, हमारी सोसाइटी में क्या है, लड़कों को तो बहुत ही रेयर होता है अगर पैसे मिल भी जाए जी। अच्छा। कहते हैं कि लड़की को देते हैं। अच्छा। तो तुम तो लड़के हो तो लड़कों को क्या देने हैं पैसे, और अगर देते हैं तो लड़की को अगर सो देंगे तो लड़के को दे देंगे 10-20 रुपए। अच्छा। और बताओ उसमें आएगा क्या, मुझे को उनको बताओ कि आजकल की चॉकलेट भी अगर बढ़िया आती है वो भी 50 रुपए की आ जाती है। एग्जैक्टली। आज मैं टीका देना बोल रहा जी, मैं कहता हूँ शगन वाला ज्यादा दुखदाई होता सी जी, साढ़े टाइम से जी बहुत 1 रुपया 1.5 रुपया 2.5 रुपया यह शगन होता सी। अच्छा। जब मेरी मैरिज हुई थी तब 1.25 रुपए को देता सी। अच्छा। दे दी जी, बहुत बत्तर की गल, 72 की मैरिज हुई थी, जब 5 रुपए दिते सी फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती, फिर तो कोई मतलब चंगा वधिया रिश्तेदार है जो 5 रुपए पा गया इन्होंने। 5 रुपए दिता सी, बहुत वधिया जी बंदा, दो बारी पैरिया खराश दे, दो बार तो 5 रुपए रेट से, 4 बार ला लेते फिर तो 10 मिल जाने से सर। मैं कहते सारे जितने बंदे आए सब मत्था टेक दूंगे। चलो भाई फिलहाल शगन वाला हिसाब किताब कंप्लीट हुआ, बट ऑब्वियसली यार हर किसी को पैसे चाहिए, सीधी सी बात है, वो बात बिल्कुल सच है यार, हमने इतनी मेहनत किया पैसे तो बनते, शगुन मत मारा जाए। अभी के पेरेंट्स समझ सकते हैं बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में कोई जा रहा है तो शगुन मत उनका मरने दिया करो। बाकी फिलहाल शगुन का पता नहीं, लेकिन प्राइस मैं जरूर दे सकता हूँ, सिनेपोलिस की कपल मूवी वाउचर, वर्ल्ड क्लास मूवी एक्सपीरियंस और सिनेमा विद स्टैंडर्ड, मैक्सिकन स्टैंडर्ड जो है, और अमेजिंग फूड मिलता है वहां पे। तो आज का जो लकी कपल वाउचर जिनको जाने वाला है वो है एकता, बहुत बहुत बधाई एकता, आपको जा रहा है ये प्राइस। एकता जी आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन 93.5 FM भाई लड़कों ने क्या गलती करी है, कभी कभी उनको भी प्राइस दे दिया करो, टिकट ना दो टिकट के पैसे दे दो, शगुन ही मान लिया करो, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।